मैंने वहाँ बनाया है भिंडी, भिंडी थोड़ी थी, मुझे पता था कि ये सबको पूरी नहीं होगी, तो मैंने यहाँ पर बनाया शोरबे वाला सालन, मतलब एक ही सालन बनाया, उसमें से ग्रेवी निकाल कर भिंडी डाल दी है जो थोड़ी भिंडी थी, और बाकी में डाल दिया पानी, तो यूं शोरबे वाला सालन भी हो गया और भिंडी वाला सालन भी हो गया, 2-in-1 आइडिया है। अगर आप लोग को भी समझ में नहीं आ रहा कि सब्जी कम है और क्या पकाना है, तो यूं कर लिया करें, मतलब कि जिसको शोरबे वाला खाना है वो शोरबे वाला खाए और जिसको सब्जी खानी है वो सब्जी खाए, और ये सब्जी अमान की फेवरेट, तो उसकी ख्वाहिश और उसके शौक पे बनाया है। और ये जो इतना इतना यहाँ पर जला हुआ आपको लग रहा है ना, इतनी देर पकता रह गया यार, इसलिए जल गया। तो अब हम फटाफट से बनाते हैं रोटी, और एक शहजादा मेरे साथ बैठा है, और ये क्या कह रहे शहजादे, सारा दिन मारे खा खा के मुंह कैसे हो गया है शाम का है? ये सारी तारें जो आपको नजर आ रही है ना, हमारे UPS खराब हो गया ना, उसकी वजह से फिर मैंने लाइट्स वगैरह यहाँ पर ऐसे लगाई हुई है। क्यों जी है श्याम, UPS खराब हो गया आपका? गम्मी में नींद नहीं आती, सो नहीं पाते आप हैं? पापा आएंगे, बनवा के आएंगे पापा, क्या कहते हैं पापा? पापा कहते हैं श्याम मैं बनवा के आऊंगा, चल मैं आटा निकाल लूँ फ्रिज से, और हम लोग बनाने लगे हैं अब रोटियां छोटी। भैया आपकी टैलेंटेड बाजी ने मज़ेदार से खाने के बाद अब बना ली है चाय, ये हो रही है हमारी टी पार्टी, जल्दी से चाय बना लूँ। आपकी टैलेंटेड बाजी ने सारे काम शाम भी ख़त्म कर लिए हैं साथ साथ, और सुबह के लिए बहुत सारे टास्क निकाल लिए, मैंने सोच लिया है कि सुबह सुबह क्या करना है। पता है यार, हम जितना भी डब्बे वाले दूध की चाय पी लेना, जो असली दूध की चाय होती है ना, उसका मज़ा ही अलग होता है। इस चाय को जितना मर्जी पका लें, जितना मर्जी पूरा डब्बा भी डाल दूँ ना मैं, मुझे उतना मज़ा नहीं आता जितना असली दूध की चाय का आता है। कायनात हुसैन, विद हर कमज़ोरी विद हर काम, और ये देखो जी, यहाँ पर मैंने सारा ताम झाम जितने मेरे पास नग मोती सितारे बीड्स जो कुछ मर्जी बचा कुचा था ना, वो सारा कुछ, और कुछ चीज़ें अब मैं गई थी ना, जब आप लोग के साथ भी वीडियो शेयर की थी, वहाँ से सामान लेकर आई थी, वो सारा कुछ निकाल कर बैठी हूँ। और आज हमने बनाना है कुछ बहुत ही यूनिक सा और अच्छा सा और ट्रेंडी सा और प्यारा सा। तो अब पहले ये वाला काम, फिर ये वाला काम, और आप लोग के साथ शेयर करूँगी ये वाला काम। आप लोग को भी देख कर बहुत मज़ा आएगा, आप लोग कहेंगे वाकई में कुछ काम दिखाया है बच्ची ने, इतनी मेहनत की है तो मेहनत ज़ाया नहीं हुई। खैर पहले अब हम लोग चाय पार्टी कर लेते हैं, चाय पार्टी करने के बाद ये वाली पार्टी भी होगी। चलो भाई लग जाते हैं अपने कामों शामों पे, और यहाँ पर मैंने ले लिया है गोटा पट्टी, हम इसको कह सकते हैं कनारी, जो भी आपकी लैंग्वेज में इसको कहते हैं, मतलब ये है धनक, उर्दू में इसको धनक कहते हैं, धनक की पट्टी। अब यहाँ पर मैंने जो चूड़ी होती है ना वो भी ले सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर प्लास्टिक की चूड़ी ली है, क्योंकि ये ना टूटती नहीं है, थोड़ी मजबूत होती है। अब इसके ऊपर अगर मैं वज़न डालूँगी ना तो ये टूटेगी नहीं, इसलिए मैंने ये वाली चूड़ी ली है, और इसके इर्द गिर्द सारे धनक को लपेट लिया, और ऊपर ना ग्लू जो होती है, ग्लू वाली कोन भी मिलती है, वो कोन लेकर मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी देर रखा। इसके अंदर UHU होती है, तो वो ना काफ़ी देर चीज़ों को स्टिक करने के काम आती है, जूतियों में भी अक्सर यही वाली ग्लू लगती है। एक दफ़ा पूरी चूड़ी के ऊपर गुटा चिपका लिया, उसके बाद उसके ऊपर नग लेस चिपका ली। अब जो नॉर्मल हमारे घर में धागा यूज़ होता है ना, उसके मदद से मैंने सारा काम करना है, और वो सारा काम ये है कि बेल्स मैं मार्केट से लेकर आई थी, और जो मेरे पास घर में एक्स्ट्रा से मोती पड़े होते हैं मगर सेम साइज़ के, ऐसा नहीं कि एक मोती बड़ा एक छोटा, ऐसा नहीं, सब मोती सेम साइज़ के लेकर मैंने उनको पहले 10 रखे हैं, फिर उसके बाद एक छोटी सी क्या कहते हैं बीड्स डाली है, फिर 10 मोती डाले, फिर उसके ऊपर फ्लावर ऐड किया है, फिर बड़े वाले साइज़ के मोती डाले हैं, फिर चकोर उसके ऊपर मैंने बीट ऐड किया है, फिर उसके ऊपर मोती ऐसे काउंटिंग के हिसाब से ऐड किए हैं, फिर मैं एक जो बहुत बड़ा सा गोल कलर का कटोरा कह लें या डेकोरेशन कह लें वो लेकर आई थी, वो डालकर फिर एक काउंटिंग के हिसाब से सारी सेटिंग की है, ऐसे नहीं एक मोती छोटा एक बड़ा इस तरीके से नहीं, बस सारे एक सीक्वेंस से लेकर और उनको गिनती के हिसाब से एडजस्ट किया है, फिर जैसे एक सेट किया है उसी के हिसाब से जितने मुझे लगाने थे वो सारे उसी के हिसाब से ही सेट किए हैं। जैसे मैंने एक चूड़ी में 6 रिंग बेल अटैच किए हैं, तो उन 6 की काउंटिंग पूरी की है कि अगर एक में 10 मोती तो दूसरे में भी 10 मोती, ताकि एक दूसरे के साथ बैलेंस आउट ना हो लटकते टाइम, फिर वही धागे को दोबारा से घुमाकर वापस से और बस गिरा लगा के पक्का कर लिया है। अब इनके अंदर मैंने रिंग्स ऐड कर लिए, जंप रिंग, और बड़े और छोटे दो साइज़ के थे मेरे पास,
वो ऐड कर कर अब इसके जो हुक बने हुए हैं ना उनके अंदर ऐड कर कर और प्लास की मदद से भी कर लिया, अगर आप हाथ की मदद से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन प्लास ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। ये ज्वेलरी मेकिंग वाला प्लास है तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, आप इसको ना दराज से भी ऑर्डर कर सकते हैं, दराज पे भी काफ़ी अच्छे प्राइस में और काफ़ी अच्छी चीज़ अवेलेबल है। खैर, अब आते हैं हम अपने काम की तरफ। यहाँ पर मैंने सारों को ना बारी बारी से गिनती के हिसाब से एडजस्ट किया ताकि जब हम इसको लटकाएं तो बैलेंस आउट ना हो। अच्छा, अब जो सब जिसके अंदर मैंने ऐड कर लिया, एक बड़ा वाला जो था, मुझे लगा कि अगर मैं रिंग से अटैच करूँगी ना तो वज़न के हिसाब से ये गिर जाएगा, तो मैंने सुई की धागे की मदद से इसको ज्वाइंट किया ताकि अगर इस पर वज़न आए भी सही ना तो ये गिरे ना, थोड़ी मजबूती रहे और ये थोड़ा पक्का रहे। इस तरीके से देखे, जहाँ मैंने एंड बंद किया था ना अपनी नग लैस का स्टार्ट और एंड जहाँ पर किया था वहाँ पर मैंने सुई की मदद से कर लिया ताकि चूड़ी पक्की हो जाए, और अगर ग्लू पुरानी भी हो जाए तो चूड़ी खुले ना। और ये है जी हमारे कैलरा बोल सकते हैं इसको, चूड़ा बोल सकते हैं इसको, गाना बोल सकते हैं इसको, जो भी आपका दिल आए वो बोले। लेकिन ये ना मेन जो यूज़ होता है ना वो इंडिया में होता है, इंडिया का ट्रेडिशन है ये, ब्राइड्स वगैरह बहुत शौक से पहनती हैं और काफ़ी हम लोगों ने इंडियंस ड्रामा में इंडियन ब्राइड्स को ये पहने हुए देखा है। आज मेरे साथ क्या ब्लंडर हुआ, मुझे ना समझ ही नहीं आ रही थी इसकी शूट कहाँ करूँ, मतलब मैंने दीवार पर हैंग कर कर देखी, मैंने टेबल पर सेट कर कर देखी, मुझे था कि यार इसकी शूटिंग ऐसी होनी चाहिए ना, इतनी कोई मज़े की, मतलब इनको घुमाते हुए आपको दिखाऊं, ये जब घूमते इतने प्यारा गोल गोल ऐसे चक्कर आता और इतनी मीठी सी इसकी छन छन आती। इसके अंदर बहुत मैंने वो घुंघरू टाइप बेल नहीं डाली, हल्की हल्की सी, जैसे कभी कभी हम मध्यम सा म्यूज़िक सुनने का दिल करता है ना, बस इसकी आवाज़ भी ऐसे मध्यम मध्यम सी, इतनी कोई चीखती हुई छन 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 नहीं है, हल्की हल्की सी बेल की आवाज़ आती है और कानों को भली लगती है। अच्छा, यहाँ पर देखें नग की वजह से ना चूड़ियों में कितनी सी रौनक आ गई है। अब पता नहीं एंगल सही नहीं है मेरे कैमरे का या फिर लाइट का एरर है कि इसकी खूबसूरती के साथ ना जस्टिफाई नहीं कर रहा था। अगर तो कोई फोटोग्राफर मेरी वीडियोस देख रहा हो या कोई अगर फोटोग्राफी से रिलेटेड किसी को एक्सपीरियंस हो तो मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा कमेंट सेशन में भी, और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी अटैच है वहाँ पर भी कर सकते हैं कि अगर हम किसी इस टाइप की चीज़ों का फ़ोटो शूट करें तो वो किस लाइट में, यानी कि डे लाइट में, नाइट लाइट में किस तरीके से करना चाहिए। मुझे ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है कि मैं यार फोटोग्राफी सीखूं और उस एंगल से उन चीज़ों की तस्वीरें और ये सारी लुक ना कैप्चर कर सकूं। फिर भी मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि अच्छे अच्छे से एंगल कैप्चर कर सकूं या अच्छे तरीके से आप लोग को डिस्क्राइब कर सकूं कि मैंने कैसे बनाया है। दो सेट बनाया है, एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड के लिए। अगर तो आप लोग को मेरी एफर्ट पसंद आए ना तो आप लोगों का सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है ना तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस है ना वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। इससे भी अच्छी और मज़े की चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी जिसको देख के आप कहेंगे वाकई भाई बंदी में दम तो है। मजाक कर रही थी, ऐसे ही छोटी छोटी सी एफर्ट्स करने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग भी इंटरटेन हो जाएं, मेरे डेली के व्लॉग्स को देखकर बोर ना हो। एक ही लाइफस्टाइल नहीं दिखा सकती आप लोग को कि सुबह उठो, खाना बनाओ, फिर सफाइयाँ करो, फिर दोपहर का खाना बनाओ, रात का खाना बनाओ, और यूँ हमारा दिन तो घर ही घर में गुजरता है। तो सोचती हूँ अपनी हर वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग सा आप लोग के साथ शेयर करूँ ताकि जिसको देखकर आप लोग भी थोड़ा सा इंटरटेन हो सके, एंजॉय कर सके। तो अगर मेरी ये एफर्ट आपको पसंद आती है ना तो उसके लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं इससे भी अच्छी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। बहुत सारे आइडियाज़ मेरे माइंड में हैं जो आप लोग के साथ शेयर करने हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप तो फिर पीछे ही रह जाएंगे भाई। चले, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, और कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ जो आप लोग के माइंड में हो मेरे साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा।